Hey guys, welcome back to my channel. मैं शिवानी, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल शिवी टॉक्स पे। तो आज की जो हम लोगों की वीडियो है वो है ऑयली स्किन की मेन प्रॉब्लम, इट मीन्स कि सनस्क्रीन के ऊपर, क्योंकि जितनी भी सनस्क्रीन आती है ऑयली स्किन के लिए वो बन जाती है अभिशाप। क्योंकि कितने भी अच्छे ब्रांड की हम सनस्क्रीन लेते हैं, अगर हम जेल बेस्ड नहीं लेते हैं तो वो हमारे स्किन को और ज़्यादा ऑयली बना देती है, जिसके चलते हमारे स्किन में शुरू हो जाती है ढेरों ब्रेकआउट्स। ये ऑयली स्किन के लिए मेन प्रॉब्लम होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को ऑयली स्किन वाले एकदम से समर की सीजन में भी यूज़ कर सकते हो। वो प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सनस्क्रीन क्यों ज़रूरी है। सनस्क्रीन हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से। सन की जो रेज आती है उससे हमारी स्किन को बचाती है। तो अगर आप घर पर रहते हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं तो घर पर रहती हूँ मुझे क्या ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल गलत हो। अगर आपकी एज 25 से कम है तो आप कभी कभार स्किप कर सकते हो, या फिर ऐसी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो जिसमें SPF की हल्की फुल्की मात्रा रहती हो। बट जिनकी एज 25 प्लस है तो सनस्क्रीन उनके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप घर पे रहते हो चाहे आप बाहर जाते हो। बट आप चाहो तो SPF 30, SPF 40, SPF 35, SPF 50 हर टाइप की अवेलेबल है। आप एकदम से ऐड करो अपने स्किन केयर में सनस्क्रीन को। सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए। अगर आप स्किन केयर में अपनी सनस्क्रीन को ऐड नहीं करते हो या आप किसी दिन मिस भी कर जाते हो तो ये आपकी स्किन में क्या करेगी प्रॉब्लम, आपको मैं बताऊं कि यूवी रेस से आपकी स्किन और ज़्यादा डल लगने लगेगी और आपकी स्किन में जो है एजिंग के साइंस बहुत जल्दी आ जाएंगे और आपकी फाइन लाइंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। हर स्किन टाइप के हिसाब से अलग अलग सनस्क्रीन अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें कि मुझे 3 सनस्क्रीन बहुत पसंद आई है। एक हो गई गुड वाइब्स की सनस्क्रीन एलोवेरा SPF 50 वाली, एक है वाओ की SPF 35, 40 एंड 50 वाली सनस्क्रीन। बट वो सब ड्राई स्किन के लिए ज़्यादा बेटर है। वो सब की रिव्यू मैंने अलग से चैनल पर डाली हुई है, अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऑल स्किन टाइप्स के साथ साथ मेनली फॉर ऑयली स्किन के लिए लाइट सनस्क्रीन फ्रॉम मामा अर्थ। मामा अर्थ की अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन के बारे में। सनस्क्रीन की मेन इंग्रेडिएंट्स जो रहती है आप सबको पता है, वो है कैरेट सीड एंड टर्मरिक डाली हुई है इसकी मेन इंग्रेडिएंट्स में। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि मामा अर्थ जो है ये पैराबन फ्री सिलिकॉन फ्री प्रोडक्ट है। अच्छी बात कि ये प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है जो प्लास्टिक्स को रिसाइकल करते हैं उसके यूज से भी ज़्यादा। मामा अर्थ जो है वो पेटा सर्टिफाइड ब्रांड है। मामा अर्थ की साइट से अगर आप परचेस करते हो तो आपके नाम की एक प्लांट या ट्री वो प्लांट करते हैं, जिससे कि हम नेचर्स को एक गिफ्ट अपनी ओर से दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्टेप है मामा अर्थ की तरफ से। तो मामा अर्थ आपको जैसे पता है कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, क्योंकि हम सपोर्ट करते हैं #vocalforlocal। तो मैं बात कर रही हूँ मामा अर्थ की अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन। ये टोटली इंडियन स्किन के लिए बनी है क्योंकि बहुत ही लाइट वेट है, टोटली एब्जॉर्ब कर जाती है तुरंत। इसकी शेल्फ लाइफ 2 साल की मिल जाती है। ये आपको पड़ जाएगी 25 ग्राम की मेरी ये है, ये आपको 199 में अवेलेबल है। अगर आप मामा अर्थ की साइट से परचेस करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो मामा 20 का कोड। हर वेडनसडे को मामा अर्थ की साइट पे ऑफर्स रहती है बहुत अच्छी अच्छी, तो आप इसे एक बार ट्राई करके देख सकते हो। और अगर आप चाहो तो ये आपको पर्पल पे नाइका पे और अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। तो बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो ये एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है जिसमें सारी इंग्रेडिएंट की लिस्ट
जो कि मैं आपको अभी दिखा रही हूँ वो आप देख लो कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है। अगर आपकी स्किन को सूट नहीं करता ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसी कुछ भी नहीं है जो आपकी स्किन को सूट नहीं करती हो। ये SPF 50 विथ PA++++ से बनी हुई है। और ये इसके बाद आती है ऐसी ट्यूब जो कि एकदम से ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो। और इसके बाद ये ऐसी कैप ओपन करने के बाद आती है हमारी मेन प्रोडक्ट जिसे मैं अभी आपको शो करती हूँ। देखो ये हल्की सी जो सनस्क्रीन टिंट छोड़ती है ये वो भी नहीं छोड़ती है, आप खुद देखो ये टोटली एब्जॉर्ब कर गई स्किन पे, थोड़ी सी भी चिपचिपी नहीं है, एकदम से लाइट स्मेल है जो आपकी नोज को एकदम से नहीं इरिटेट करेगी, बहुत लाइट है। मैं इसे लगभग 1 वीक से कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ जिससे कि मुझे बहुत सारी फेस में जो प्रॉब्लम्स थी उससे छुटकारा मुझे मिलते हुए नज़र आ रही है। आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हो तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप एक बार इसे परचेस करके यूज़ करके देखना चाहो तो देख सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी, अगर थोड़ी सी भी यूजफुल हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाना, आगे शेयर करते जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करते जाना ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।